ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह, सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार, आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास, देह और देह के संबंधों से सदा उपराम और नष्टो मोहा, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा विघ्न जीत, सदा एक्यूरेट और अलर्ट, रॉयल और सिंपल, बेगर टू प्रिंस, संपूर्ण समर्पण बुद्धि, इकोनॉमी के साथ साथ फ्राख दे, निमित्त और निर्माण, सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक, शुभ कामना और शुभ भावना, विश्व सेवाधारी सर्व के परोपकारी, सदा न्यारे और सर्व के प्यारे, कर्म और योग का निरंतर संतुलन, प्योरिटी की पर्सनालिटी और अथॉरिटी वाले, शिक्षा देने के साथ साक्षी और क्षमा भाव, अथक और निद्रा जीत, सदा उदार चित, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, सदा दानी महादानी और वरदानी, सदा आशावादी, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, स्थापक की स्मृति के साथ साथ पालनहार, सदा देह में रहते हुए विधेयी व अशरीरी स्थिति का अभ्यास, सदा एवर रेडी ऑलराउंडर, सत्यता की अथॉरिटी के साथ बोल में मधुरता, सदा निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति का अभ्यास। बाबा की यह सारी विशेषताएं हैं, सारे गुण हैं, इन सभी को धारण करने के बाद बाबा न सिर्फ हम बच्चों के लिए बल्कि विश्व के लिए नंबर वन बाप समान, शिव बाप समान आत्मा बने। हम बाबा को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा ने सबसे बड़ा सैंपल ब्रह्मा बाबा के रूप में हम सबके सामने रखा है कि इन जैसा बनना है, तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा मेरे बाप समा कहां तक बनी हूं। बाबा की एक एक विशेषता मुझ में कितने परसेंटेज में उतरी हुई है। जब तक बाप की विशेषता
ब्रह्मा बाप की विशेषता हमारे अंदर नहीं उतरती तब तक हम ब्रह्मा बाप समान नहीं बन सकते, और जब तक हम ब्रह्मा बाप समान नहीं बनते तब तक शिव बाप की दिल तख्त पर हम नहीं चढ़ सकते। हमारा अंतिम गोल है शिव बाप के दिल तख्त पर बैठना, माना ब्रह्मा बाप समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह थे, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा कहाँ तक निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह की अवस्था तक, स्थिति तक पहुंची हूँ। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें संपूर्ण स्वयं को शिव बाबा को सौंप देते हैं, संपूर्ण निश्चय बाबा के ऊपर होता है, जिसके कारण बेफिक्र बादशाह बनना आसान होता है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं बाबा के ऊपर कितनी निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। जितना निश्चय पक्का उतना बेफिक्र बादशाह पक्के बनते जाएंगे। तो सबसे पहली धारणा निश्चय बुद्धि, बाबा के ऊपर जितना निश्चय उतने बेफिक्र। उसके साथ साथ सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं मैं ब्रह्मा बाप समान कितनी एकांत प्रिय आत्मा हूं। हमारा रोज का समय हर रोज कितने मिनट एकांत प्रिय अवस्था में स्थित रहती हूं। तो जितनी एकांत प्रिय अवस्था ऊंची उतने मिलनसार में, यानि सबके संबंध संपर्क में आते बाप समान अनुभूति ज्यादा। तो हम इस अवस्था को भी चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा कितनी एकांत प्रिय और मिलनसार हूं। सदा आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। तो अपने आप को चेक कीजिए कि मुझ आत्मा की स्थिति कहां तक पहुंची है आत्मिक दृष्टि और वृत्ति में। ज्ञान का पहला पाठ है, इसे पक्का करना बहुत आवश्यक है, जो ब्रह्मा बाबा ने आदि से किया। इस बात को पक्का पकड़ लिया, इस बात में ही जीवन का सार है। जब दृष्टि और वृत्ति शुद्ध हो जाती है तो सृष्टि अपने आप परिवर्तन हो जाती है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि मैं आत्मा आत्मिक दृष्टि और वृत्ति इस अभ्यास में कहां तक पहुंची हूं। सारे दिन भर में कितने मिनटों के लिए, कितने घंटों के लिए मैं आत्मिक दृष्टि और वृत्ति में रहती हूं, चेक कीजिए। उसके साथ देह और देह के संबंधों से सदा उपराम और नष्ट मोह। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति माना ही देह और देह के संबंधों से उपराम। तो जितना आत्मिक दृष्टि में वृत्ति में उतरते जाएंगे
देह की आकर्षण से परे जाएंगे। आज भी अगर हमें देह की आकर्षण आकर्षित करती है, किसी भी प्रकार का संबंध संपर्क देह का आकर्षित करता है, माना हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं जो इससे उपराम लेके जाए, तो ब्रह्मा बाप समान हमें भी देह और देह के संबंधों से उपराम रहना पड़ेगा। जैसे ही इन संबंधों से उपराम हो जाएंगे, नष्ट मोहा अपने आप हो जाएंगे, और नष्ट मोहा होने से स्मृति स्वरूप स्वयं के और बाप के अपने आप बन जाएंगे। उसके साथ नथिंग न्यू की स्मृति से सदा विघ्न जी, बाप के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर निश्चय, इन तीन बातों में अगर हम पक्के निश्चय बुद्धि है तो नथिंग न्यू सदा ही याद रहेगा। और जहां नथिंग न्यू याद है, वहां किसी भी प्रकार की परिस्थिति स्थिति को नहीं हिला सकती, माना विघ्न जीत अपने आप बनते जाएंगे। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा नथिंग न्यू की स्मृति से सदा विघ्नजीत अवस्था तक ब्रह्मा बाप समान कहां तक पहुंची हूं। सदा एक्यूरेट और अलर्ट अपने आप को चेक कीजिए। जैसे ब्रह्मा बाबा हर सेकेंड संकल्प बोल और कर्म में एक्यूरेट और अलर्ट रहते थे, जो आत्मा एक्यूरेट होती है अलर्ट स्वाभाविक रीति से रहती ही रहती है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा हर संकल्प बोल और कर्म में कितनी एक्यूरेट और अलर्ट हूं। उसके साथ रॉयल और सिंपल यानी बेगर टू प्रिंस। रॉयल्टी ब्राह्मणों का स्वाभाविक नेचर है, क्योंकि हम ब्रह्मा मुखवंशावली शिव बाप की संतान है, और जो परमात्मा की संतान है उनके अंदर रॉयल्टी और सिंप्लिसिटी ना हो यह हो नहीं सकता। रॉयल और सिंपल मना ऐसी अवस्था जिस अवस्था में स्थिति ऊंची होती है लेकिन ऊपर से बाहरी तौर से एक सिंप्लिसिटी अपने आप नजर आती है। सिंप्लिसिटी अंदर भी रहती है, जहां सिंप्लिसिटी अंदर है वहां रॉयल्टी बाहर अपने आप दिखती है, और जो सिंपल रहते हैं वही सच्चे बेगर रूप में अपने आप को विश्व के सामने रख सकते हैं। और जो अभी यहाँ पर बेगर रूप में रहते हैं, बेगर माना बस मैं और बाबा और कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय बाबा के, वही प्रिंस बन जाते हैं आने वाली गोल्डन एज के। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, जैसे बाबा सिंपल रहते थे लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि बड़े बड़े योगियों को महात्माओं को साधुओं को समझ में आता था कि यह असाधारण व्यक्तित्व है,
असाधारण आत्मा है, तो यह धारणा हमारे अंदर कहाँ तक उतरी है हम चेक कर सकते हैं। संपूर्ण समर्पण बुद्धि, यह सबसे ऊंची धारणा है। जहाँ संपूर्ण समर्पण है वहाँ बाप है, और जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ अपने आप है। और जब तक समर्पण कुछ न कुछ अंश में संपूर्ण नहीं हुआ है, तब तक दुख और कष्ट है, क्योंकि जो कुछ बचा है समर्पण करने का वह माया हाजिर है। इसलिए ब्रह्मा बाप समान तन मन धन से आत्मा रूप से स्वयं को बाबा को समर्पण करना, यही सबसे ऊंची धारणा है। जब तक मैं मेरा हूँ तब तक मैं माया का हूँ, इतना पक्का है। जिस दिन मैं मेरा नहीं रहूंगा और संपूर्ण रीति बाप का बन जाऊंगा, तो ब्रह्मा बाप समान उसी सेकंड में बन जाऊंगा। ब्रह्मा बाप समान बनना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। उसके लिए सबसे बड़ी धारणा है संपूर्ण समर्पण। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा स्वयं से लेकर तन मन धन से बाबा को कितनी समर्पण हूं। उसके साथ इकोनॉमी के साथ साथ फ्राक दे, अपने आप को चेक कीजिए कि मैं आत्मा हर संकल्प बोल और कर्म में तन मन धन से कितनी इकोनॉमी अवस्था में हूं और कितनी फ्राख दिल हूं। जितने इकोनॉमी में चलेंगे बाबा के साथ, उतने अपने आप फ्राख दिल बनते जाएंगे। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं यह धारणा मुझ में कहाँ तक है। निमित्त और निर्माण, निमित्त पने के भाव में रहना, निमित्त के भी निमित्त भाव में रहना, यही निर्माणता का बीज है। और जहां निर्माणता है वहां निर्माण अपने आप रहते हैं। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा कहाँ तक निमित्त भाव में रहती हूँ। मेरा कुछ नहीं, हर संकल्प भी बाबा का, बोल तो है ही कर्म भी है, लेकिन संकल्प भी जो उठ रहा है उसके लिए मैं सिर्फ निमित्त की भी निमित्त हूँ, उठाने वाला भी बाबा है। तो जहाँ बाबा है हर संकल्प बोल और कर्म में, वहाँ निर्माणता अपने आप रहती है। और जहाँ निर्माणता है वहाँ निर्माण होना, निर्माण करना सहज हो जाता है, क्योंकि जहाँ निमित्त पने की धारणा पक्की है वहाँ बाप करावनहार हाजिर है। उसके साथ सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक, शुभ कामना और शुभ भावना। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा सर्व के प्रति शुभ चिंतक, शुभ कामना और शुभ भावना वाली ब्रह्मा बाप समान कितनी बनी हूँ। ब्रह्मा बाप के दिल में सभी आत्माओं के प्रति, न सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के प्रति बल्कि विश्व की सभी आत्माओं के प्रति
शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ चिंतन ही चलता था। हर किसी के लिए उनके मन में, बोल में, कर्म में समान व्यवहार रहता था। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति कितनी शुभ चिंतक, शुभ कामना और शुभ भावना वाली बनी हूँ। विश्व सेवाधारी, सर्व के परोपकारी। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान विश्व सेवाधारी हूँ। ब्रह्मा बाप समान विश्व सेवाधारी माना सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना और सर्व के प्रति परोपकार की भावना। कोई मुझे अच्छा बोल रहा है, मेरे प्रति अच्छा सोच रहा है, मुझे सहयोग दे रहा है, तो मैं सहयोग दे रही हूँ। यह नहीं कोई अच्छा बोले, विचार करे, मेरे प्रति कर्म करे या नहीं करे, पर मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों में, संकल्प बोल कर्मों में सर्व के प्रति कल्याण की भावना। इस प्रकार विश्व सेवाधारी और सर्व के परोपकारी। तो अपने आप को चेक कीजिए कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान इस गुण, इस अवस्था तक कहाँ तक पहुंची हूँ। सदा न्यारे और सर्व के प्यारे। जो आत्मा अपने आप में स्थित रहती है, वह इस शरीर से, शरीर के संबंधों से अपने आप न्यारी रहती है, और जो न्यारी रहती है वह सदा ही बाप की याद में, बाप के साथ रहने के कारण सर्व की प्यारी अपने आप रहती है, जो ब्रह्मा बाप थे। तो अपने आप को चेक कीजिए कि मैं आत्मा इस अवस्था तक कहाँ तक पहुंची हूँ। मना आत्मिक स्थिति में उतर कर हर संकल्प बोल और कर्म में हर सेकंड न्यारी कहाँ तक रहती हूँ। जितना न्यारे उतना बाबा के, शिव बाबा के प्यारे। तो अपने आप को चेक कीजिए। कर्म और योग का निरंतर संतुलन। कर्म करते भी अपनी स्थिति में स्थित रहकर बाबा की याद में रहना, मना योग के स्थिति में स्थित रहना। जो आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है, वहाँ कर्म अपने आप होते हैं, करना नहीं पड़ता। क्योंकि जो अपनी स्थिति में स्थित है, वह बाप की याद में भी अपने आप स्थित है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि मैं आत्मा कर्म और योग के निरंतर संतुलन में ब्रह्मा बाप समान रहती हूँ। प्योरिटी की पर्सनालिटी और अथॉरिटी वाले। मैं आत्मा संकल्प बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप समान कितनी प्योर बनी हूँ। क्योंकि जितने संकल्प बोल और कर्म प्योर, उतनी प्योरिटी की पर्सनालिटी और अथॉरिटी सहज, जो ब्रह्मा बाप में सदा ही थी। तो अपने आप को चेक कीजिए कि मैं आत्मा इस अवस्था तक कहाँ तक पहुँची हूँ। शिक्षा देने के साथ साथ साक्षी और क्षमा भाव। किसी को शिक्षा देने का अधिकार
हमें नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक है सीख और शिक्षा दूसरी है पनिशमेंट, यह तो बाबा ही जाने। तो जब हम हमारी स्थिति में आते हैं तो हमारी स्थिति से ही सबको शिक्षा अपने आप मिलती जाती है, मना सीख। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, जिस अवस्था में जिस स्थिति में रहकर ब्रह्मा बाबा बच्चों को दोनों प्रकार की शिक्षाएं देते थे, वह हम कहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि जहां क्षमा भाव है वहां शिक्षा सहज प्राप्त होती है, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। तो इस अवस्था तक हम कहां तक पहुंचे हैं चेक कीजिए। अथक और निद्रा जीत, जब आत्मिक स्थिति में है तो अथक अपने आप बनते जाते हैं, जो ब्रह्मा बाबा थे। अंत तक संकल्प बोल और कर्म में सेवा ही करते रहे, अपने आप सेवा होती रहे, अथक रहे, निद्रा जीत रहे, जिस कारण सभी को ऊपर उठाते रहे, आगे बढ़ाते रहे। तो अपने आप को चेक कीजिए, मैं आत्मा कितनी अथक और निद्रा जीत बनी हूँ। सदा उदार चित, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, ब्रह्मा बाप समान मैं आत्मा उदार चित कहाँ तक बनी हूँ। अगर हूँ तो सदा के लिए हूँ या कभी कभी के लिए हूँ। क्योंकि जो आत्मा उदार चित होती है वही आधार मूर्त बन सकती है, और जो आधार मूर्त बन सकती है वही उद्धार मूर्त होती है। तो जैसे ब्रह्मा बाप उदार चित, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त थे, ऐसे मैं आत्मा कहाँ तक बनी हूँ चेक कीजिए। सदा दानी, महादानी और वरदानी, ब्रह्मा बाप समान मैं आत्मा दानी, महादानी और वरदानी कहाँ तक बनी हूँ। दान, महादान और वरदान, इसमें कोई कमी नहीं, बस देते जाओ। लेने की संकल्प मात्र भी, भावना भी ना हो, बस देते जाओ। तो अपने आप को चेक कीजिए कि मैं ब्रह्मा बाप समान दानी, महादानी और वरदानी कहां तक बनी हूँ। सदा आशावादी, जो आत्मा ड्रामा के पार्ट पर पक्की है वह कभी भी निराशा में नहीं जा सकती, सदा आशावादी ही रहेगी। और आशावादी होने के कारण होपलेस में भी होप पैदा करने की ताकत इन आत्माओं में रहती है, जो ब्रह्मा बाबा में थी। तो मैं आत्मा किसी को होपलेस अवस्था से ऊंचा उठाती हूँ और होपलेस में भी होप पैदा करती हूँ, या किसी का जो होप है वो भी उससे निकाल देती हूँ। चेक कीजिए, हर सेकेंड हर आत्मा को हर संकल्प बोल और कर्म में आशा दिलाना और सदा आशावादी माना पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना। तो यह धारणा मुझ आत्मा में कहां तक हुई है चेक कीजिए। स्थापक की स्मृति के साथ साथ पालनहार, जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त स्थापक बने, वैसे हम आत्माओं को भी इस स्थापक की स्मृति में
सदा रहना है, क्योंकि ब्राह्मण ही सतयुग के स्थापना के निमित्त बने हैं। बाबा शिव बाबा ब्राह्मणों को निमित्त बनाकर उनके द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा इस अवस्था तक कहां तक पहुंची हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा स्थापक की स्मृति में रहते साथ साथ सदा पालनहार की स्मृति में रहते थे। माना जहां स्थापना है वहां पालना देने के कर्तव्य में भी हमें हाजिर रहना है। ऐसे नहीं कि स्थापना करके छोड़ देना है। तो यह अवस्था यह धारणा ब्रह्मा बाप समान मुझ आत्मा में कहां तक पहुंची है चेक कीजिए। सदा देह में रहते हुए विधेयी व अशरीरी स्थिति का अभ्यास। ब्रह्मा बाप समान आत्मिक स्थिति और दृष्टि और वृत्ति बनने के कारण विधेयी अवस्था में पहुंचना सहज हो जाता है। तो अपने आप को चेक कीजिए, कितने समय के लिए मैं आत्मा विधेयी व अशरीरी स्थिति में रहती हूँ, जो ब्रह्मा बाबा सदा काल के लिए रहते थे। तो देह में रहते हुए भी विधेयी व अशरीरी अवस्था तक स्थिति तक मैं कहां तक पहुंची हूँ, जो बाबा की सर्वोच्च अवस्था है। सदा एवर रेडी ऑलराउंडर। तो जो भी सामने कार्य हो, संकल्प बोल और कर्म की स्थिति का कार्य हो, इस कार्य में मैं आत्मा कितनी एवर रेडी और ऑलराउंड अवस्था में स्थित रहती हूँ चेक कीजिए। किसी भी प्रकार का कार्य हो, कभी भी हाजी का पार्ट बजाती हूँ या विचार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, मुझसे होगा या नहीं होगा पता नहीं, चेक करेंगे, ऐसी अवस्था में हो चेक कीजिए। तो सदा एवर रेडी कोई भी किसी भी प्रकार का पार्ट सेवा हो बाबा के साथ, तो सदा एवर रेडी और हर कार्य के लिए ऑलराउंडर। तो इस धारणा में मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान कहां तक पहुंची हूँ, सत्यता की अथॉरिटी के साथ बोल में मधुरता। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जब बोल में ऊंचाई, तनाव, स्ट्रेस है, माना वह हम सत्यता को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाप समान हम हमारी स्थिति में रहकर सत्य की अवस्था में पहुंच कर कहां तक अथॉरिटी वाले बोल बोल कर उन बोल में मधुरता दूसरों को अनुभव होती है चेक कीजिए। जब सत्यता है तो वहां मधुरता है, पॉजिटिविटी है। तो यह स्थिति हमारी कहां तक पहुंची है चेक कीजिए। सदा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति का अभ्यास। यह तीन अवस्थाएं सब कुछ उपलब्ध करा देती हैं। सब कुछ माना ब्रह्मा बाप समान अवस्था, ब्रह्मा बाप समान स्थिति। तो जब निराकारी स्थिति में पहुंच गए तो निरंकारिता अपने आप आ जाती है, और जहां निरंकारिता है वहां निर्विकारिता हाजिर है। तो यह धारणा
निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी ब्रह्मा बाप समान कहाँ तक हुई है अपने आप में चेक कीजिए। जब निराकारी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अनुभव शुरू हो जाता है कि मैं क्या हूँ, बाबा क्या है, योग क्या है, अनुभव क्या है, गुण और शक्तियाँ क्या है, उनका प्रयोग, उनका अनुभव, उनकी एनर्जी, उनकी सारी बातें, सारे अनुभव शुरू हो जाते हैं। तो जब निराकारी अवस्था है तो सूक्ष्म मात्र भी अहंकार ठहर नहीं सकता। अगर आज भी गुण शक्तियां अच्छाई किसी भी बात का ज्ञान योग धारणा सेवा किसी भी बात का सूक्ष्म मात्र भी अहंकार है तो सिद्ध हो जाता है कि हम निराकारी अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। इस यात्रा को पूरा करने के लिए, रूहानी यात्रा को पूरा करने के लिए निराकारी अवस्था बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। इसी अवस्था में सारे राज छिपे हुए हैं। यही अवस्था, यही स्थिति हमें ब्रह्मा बाप समान अनुभव कराएगी। न सिर्फ अनुभव कराएगी बल्कि ब्रह्मा बाप समान बनाएगी। तो जितनी निराकारी अवस्था ऊंची उतनी ब्रह्मा बाप समान स्थिति ऊंची। तो अपने आप को सदा काल के लिए चेक करना है। हर कर्म बोल और संकल्प में मैं आत्मा कितनी निराकारी अवस्था में स्थित रहती हूँ। यही अवस्था आदि है, मध्य है और अंत है ड्रामा का। क्योंकि ड्रामा मुझसे शुरू हुआ, मैं आत्मा, ड्रामा मुझ पर ही अंत तक पहुंचता है। अंत तक पहुंचना माना सतयुग और कलयुग के आदि में संगम युग तक पहुंचना और वापस घर में परम धाम में पहुंच जाए। तो ड्रामा निराकारी अवस्था से शुरू होकर निराकारी अवस्था तक ही पहुंच जाता है, पूरा हो जाता है। तो यही अवस्था सब कुछ प्राप्त कराती है, 5000 साल का ड्रामा प्ले कराती है, 5000 साल के सारे अनुभव सिखाती है, कराती है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि मैं आत्मा निराकारी अवस्था तक कहाँ तक पहुंची हूँ। तो निराकारी अवस्था को पाने के लिए सूक्ष्म में चेक करना है कि मुझे किस बात का अहंकार तो नहीं है। क्योंकि अहंकार है तो हम विकारी हैं। जब निर्विकारी बन जाएंगे तो निरहंकारी अपने आप बन जाएंगे। और निरहंकारी बनने से निराकारी बनना सहज होगा। और निराकारी बन गए तो संपूर्ण रीति निरहंकारी और निर्विकारी ब्रह्मा बाप समान अपने आप बनते जाएंगे। तो इस साल 2018 में, 18 जनवरी 2018 में बाबा के इस स्मृति दिवस पर हम यह संकल्प उठाते हैं कि मैं आत्मा अपने आप को निराकारी अवस्था तक पहुंचाऊंगी। हर रोज कम से कम 2 से 3 घंटा इस अवस्था में स्थित रहूंगी और इस समय को ज्यादा से ज्यादा
बढ़ाने का प्रयास करूंगी। यह अवस्था ही, यह संकल्प ही, यह स्थिति ही हमें ब्रह्मा बाप समान बनाएगी। और जब ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो हम सभी यह संकल्प उठाते हैं कि इस साल में हम संपूर्ण और संपन्न ब्रह्मा बाप समान बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।